अंबेडकर वादी फिल्म निर्देशक पा रंजीत की पहली हिंदी फिल्म होगी बिरसा मुंडा। कबाली काला और सारपट्टा परंपराई जैसी चर्चित फिल्मों के लिए माने जाने वाले प्रसिद्ध तमिल फिल्म निर्देशक पा रंजीत अपनी पहली हिंदी फिल्म की तैयारी में है। यह फिल्म भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नायक बिरसा मुंडा पर आधारित होगी। हालांकि निर्देशक ने अभी फिल्म के कथानक या इससे जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी है। आपको बता दें कि रंजीत अंबेडकर वादी सोच और सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। रंजीत ने हाल ही में एक इंटरव्यू में पुष्टि की है कि उनकी अगली फिल्म का नाम बिरसा मुंडा रखा गया है और इसकी पटकथा रंजीत और उनके दोस्त ने लिखी है जो लगभग पूरी हो चुकी है। उन्होंने यह भी बताया कि वे कलाकारों का चयन कर रहे हैं और जल्द ही इस पर आधिकारिक घोषणा करेंगे। बताया जाता है कि इस फिल्म के लिए अक्षय कुमार और रणवीर सिंह के नामों पर चर्चा चल रही है। जानकारी के अनुसार रंजीत 2019 में बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित बायोपिक पर काम कर रहे थे और इसे रंजीत की पहली गैर तमिल परियोजना माना जा रहा था। फिल्म का निर्माण नमे पिक्चर्स द्वारा किया जाना था जो 2018 में ईरानी फिल्म निर्माता माजिद मजिदी के बियॉन्ड द क्लाउड्स का सह निर्माण कर चुकी है। हालांकि फिल्म की कास्ट की घोषणा नहीं की गई। 2019 में शुरू होने की योजना के बावजूद इस परियोजना को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद रंजीत ने सारपट्टा परंपराई की पटकथा लिखी और उसे निर्देशित किया। लेकिन अब बिरसा मुंडा पर आधारित यह फिल्म उनकी पहली हिंदी फिल्म होगी जो भारतीय आदिवासी नायक की वीर गाथाओं को बड़े पर्दे पर जीवंत करेगी। फिल्म बिरसा मुंडा के जीवन और उनके संघर्षों को प्रदर्शित करेगी जिन्होंने आदिवासी समुदायों के अधिकारों के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उनके नेतृत्व में हुआ मुंडा विद्रोह या उलगलान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। फिलहाल पा रंजीत द्वारा निर्देशित तथा चियान विक्रम और मालविक मोहनन द्वारा अभिनीत ऐतिहासिक ड्रामा थंगलान 15 अगस्त को रिलीज होने के बाद से ही तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में व्यापक प्रशंसा और बॉक्स ऑफिस पर सफलता मिल चुकी है। बिरसा मुंडा एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, धार्मिक नेता और छोटा नागपुर पठार क्षेत्र के मुंडा जनजाति से संबंधित लोक नायक थे। 19वीं शताब्दी में बिरसा मुंडा ने बंगाल प्रेसिडेंसी में एक आदिवासी धार्मिक सहस्राब्दी आंदोलन शुरू किया था। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खुंटी जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। वे केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी और आदिवासी नेता ही नहीं थे बल्कि धार्मिक सुधारक भी थे। वर्ष 2021 में भारत सरकार ने बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया। हालांकि मार्च 1900 में जब बिरसा और उनके अनुयायी जंगल में सो रहे थे, ब्रिटिश सेना ने उन्हें गिरफ्तार किया, उन्हें जेल में डाल दिया गया और कुछ महीनों बाद हेजे के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु से विद्रोह को भारी झटका लगा और अंग्रेजों ने नियमित जवाबी हमलों के माध्यम से विद्रोह को दबा दिया। कई विद्रोहियों को गिरफ्तार, कैद या फांसी दी गई, जिससे 1900 के दशक के मध्य तक विद्रोह पूरी तरह से दबा दिया गया। हालांकि विद्रोह के दब जाने के बावजूद इसने आदिवासियों के अन्याय के खिलाफ लड़ने की क्षमता को उजागर किया और उत्पीड़न का विरोध किया। अब देखना होगा कि बिरसा मुंडा पर बनी यह फिल्म कितनी कारगर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BH न्यूज नेटवर्क।